क्लास एट, दिस विल बी योर 10th लेक्चर ऑफ द चैप्टर. ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो आपका हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो दिस टूल इज टू मेक सिलेक्शन ऑन द इमेज इन रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्ट करनी है इमेज वो भी रेक्टेंगुलर शेप में, तो हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस चेंजेस द एरिया ऑफ योर इमेज दैट इज अफेक्टेड बाय अदर टूल्स और एक्शंस टू बी विद इन द डिफाइंड शेप. ठीक है, तो जो भी शेप आप सिलेक्ट करते हो उस शेप में आप जो भी एक्शन करना चाहो, जो भी चेंजेस करना चाहो, वो सारे आप कर सकते हो विद इन द सिलेक्टेड एरिया. ठीक है, जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसमें आप वो चेंजेस कर सकते हो. क्लिक वंस ऑन द रेक्टेंगुलर मार्की टूल टू चूज इट. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को चूज करेंगे, एक बार सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद द आइकन विल टर्न वाइट एंड द कर्सर विल टर्न इनटू अ क्रॉस हेयर व्हेन यू मूव इट इनटू ऑनटू द डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब आप जैसे ही उसको कर्सर आपका कुछ क्रॉस की तरह बन जाएगा जिसको जब आप पकड़ के मूव करोगे. ठीक है, होल्डिंग द शिफ्ट की, चलिए एक मिनट, होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग योर सिलेक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द शेप टू अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप सिलेक्ट की को दबा के आप अपने कर्सर को मतलब मूव कराते हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनने का चांस रहेगा. होल्डिंग द ऑल्ट की, अगर आप ऑल्टरनेट की को सिलेक्ट कर लेते हो, पकड़ के रखते हो वाइल ड्रैगिंग, सेट्स द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल वेयर योर कर्सर स्टार्टेड. ठीक है, तो ऑल्ट से क्या होगा, जहाँ से आपने कर्सर को सिलेक्ट किया है वहीं पर सेंटर बन जाएगा. ठीक है, समझ में आया. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्की टूल्स. मार्की टूल्स भी आपके चार तरीके के होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल. ठीक है, तो ये चार तरीके के आपके मार्की के टूल्स हैं. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है मूव टूल. मूव टूल क्या कराता है बेटा, आप समझ चुके होंगे, मार्की टूल से आपने सेलेक्ट कर लिया मान लो कोई एरिया, अब मूव टूल की हेल्प से आप उसे मूव करा सकते हो. ठीक है, द मूव टूल्स अलाउज यू टू मूव ऑब्जेक्ट एंड पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन. तो मूव टूल क्या करता है, हमें पिक्सल या फिर ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प करता है हमारी. यू कैन मूव टेक्स्ट लेयर मास्क, नॉर्मल लेयर्स, सिलेक्टेड एरियाज जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन देम एंड ड्रैगिंग. ठीक है, आप कैसे मूव करा सकते हो, सिंपली उस पर क्लिक करके और ड्रैग करके आप उसे मूव करा सकते हो. ठीक है, द शॉर्टकट फॉर दिस टूल इज वी, बट टू टेम्पररली एक्सेस इट वाइल हैविंग अनदर टूल सिलेक्टेड सिंपली होल्ड कंट्रोल एंड डू द मूविंग. ठीक है, तो शॉर्टकट की तो बेटा वैसे आपकी वी है, लेकिन अगर आपने मान लो कोई और सिलेक्ट, जैसे मार्की टूल को सिलेक्ट कर रखा है लेकिन आपको मूव टूल को थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है ना, तो मूव टूल सिलेक्ट करके आप कंट्रोल दबा के सिंपल थोड़ा बहुत मूविंग कर सकते हो. ठीक है, फिर आ जाता है आपका लासो टूल. ठीक है, द लासो टूल इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्री हैंड सिलेक्शंस. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैसो टूल्स. लैसो टूल से आप फ्री हैंड सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप, डिफाइंड शेप नहीं है. जैसे मार्की टूल्स में आपका रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल है, तो ऐसा कोई शेप नहीं होगा. आप अपने हाथ से जो जो एरिया सेलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलिए, तो लासो टूल्स तीन टाइप के हैं. एक तो लासो टूल है, एक पॉलीगोनल लासो टूल है, एक मैग्नेटिक लासो टूल है. ठीक है, द पॉलीगोनल लासो टूल अलाउज यू टू क्रिएट सिलेक्शन फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन. पॉलीगोनल जो लासो टूल है वो स्ट्रेट लाइन सिलेक्शंस करता है. इट हैज़ लिमिटेड यूजेस फॉर सिलेक्टिंग रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक बेंचेस और फेंसेज. ठीक है, इसका लिमिटेड यूज है, ये बेंचेस और फेंसेज के यूज के लिए आ जाता है काम में. इफ यू आर यूजिंग द लासो टूल यू कैन टेम्पररली एक्सेस द पॉलीगोनल लासो टूल बाय होल्डिंग ऑल्ट. ठीक है, तो लासो टूल अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो टेम्प्रेरी यूसेज के लिए, मतलब थोड़ी देर के यूज़ करने के लिए आप उसको ऑल्ट दबा के पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ कर सकते हो. ठीक है, फिर है द मैग्नेटिक लासो टूल. द मैग्नेटिक लासो टूल वर्क्स बाय स्नैपिंग टू द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैग्नेटिक लासो टूल कैसे काम करता है, एजेस पे काम करता है वो. ठीक है, यू सिंपली क्लिक वंस ऑन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू सिलेक्ट एंड रिलीज द माउस बटन, देन केयरफुली ड्रैग अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड नोटिस हाउ द मैग्नेटिक लासो टूल स्नैप्स टू द एजेस.
ठीक है, तो आप एक बार एक पॉइंट पे एज पे जाके सिलेक्ट कर लो, उसके बाद अपने माउस के पॉइंटर को ऐसे मूव कराओ कि वो एज एज पे ही मूव करे, तो मैग्नेटिक लासो टूल अपने आप एज सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच द लासो टूल विल फास्टन पॉइंट्स एंड एज कॉन्ट्रास्ट टेल्स द लासो हाउ टू डिस्टिंग्विश द डिजायर्ड एज फ्रॉम अदर पिक्सल। ठीक है, तो ये बेटा आपका तरीका होता है जिसकी हेल्प से मैग्नेटिक लासो हमारा पहचानता है कि एज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये कलर डिफरेंशिएशन की हेल्प से पहचान लेता है कि ये हमारा एज है और उसको सिलेक्ट कर लेता है। अ हाई वैल्यू डिटेक्ट्स ओनली इमेजेस विद शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है, शार्प कॉन्ट्रास्ट होगा बैकग्राउंड में तभी ये अच्छे से उसमें लासो का काम हो पाएगा ढंग से, वरना लासो आपका जो ये वाला है मैग्नेटिक लासो वो ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, अ लोअर वैल्यू डिटेक्ट्स लो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस इफ़ यू मेक द मिस्टेक एंड वॉन्ट टू स्टॉप ड्राॅइंग हिट एस्केप। मान लो आपने कुछ गलती कर दी है ना, कोई गलती हो गई आपके प्रोजेक्ट में और आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप तुरंत एस्केप की को प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका टूल्स के बारे में, जो टूल्स कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही। थैंक यू क्लास।